झज्जर के लघु सचिवालय में आशा वर्कर कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर 70 दिन से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं आशा वर्कर कर्मचारियों के प्रधान कविता ने कहा कि आशा वर्कर कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार आशा वर्कर कर्मचारियों की सुध नहीं ले रही है। आशा वर्कर कर्मचारियों के यूनियन को झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा सरकार को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। और आशा वर्कर कर्मचारी 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए ग्राम पंचायत व ग्रामीणों का सहयोग मांग रही है। और ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच, आम जनता से हमें सहयोग मिल रहा है, और आज जनता भी कहने लगी है कि कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल, और आशा वर्कर कर्मचारी आने वाली 18 तारीख को हमारी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के झज्जर निवास का वे घेराव करेंगी। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे झज्जर जिले से ही आते हैं, लेकिन 70 दिन हो चुके हैं और अब तक आशा वर्कर कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए धनखड़ साहब एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए। जैसे भाजपा सरकार ने हमें नकारा है, वैसे ही ओम प्रकाश धनखड़ भी नकारा निकले। हमें धनखड़ साहब से ये उम्मीद नहीं थी, वह बहुत बड़े नेता है और वह हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन हम भी कम नहीं है, हम धनखड़ साहब से मिलने जाएंगे। आज हमारे धरने को जी 70 दिन हो गए हैं, 70वें दिन में आज हम प्रवेश कर चुके हैं। ये बीजेपी सरकार इतनी निकम्मी, इतनी बेबुद्धि है, रणनीति इनके खिलाफ तो जितनी बनाएंगे उतनी कम है। हमारी जो 18 तारीख है, अब उस दिन धनखड़ का घेराव करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं। आज तक हमसे मिलने का कोई न मतलब नहीं सोचा कि भाई हमारे जिले की आशा वर्कर तमाम 70 दिन से दरी पे बैठी हैं, आकर बहनों की बहू बेटियां हैं जो इनकी सूझबूझ ले। बिल्कुल ये भी इतना ही नकारा है, ये जितनी ये बीजेपी सरकार है वैसे ये नकारा ये है। हमसे धनखड़ साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी आकर बिल्कुल भी सूझबूझ नहीं लेगा, लेकिन 18 तारीख को हम खुद चले जाएंगे, कोई बात नहीं। वो तो इतने बड़े हैं, वो आशा वर्करों के पास नहीं आएंगे, लेकिन हम कम नहीं हैं। वो कहीं भी छुप ले, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। 18 तारीख को हमारी आर पार की लड़ाई है बीजेपी सरकार के साथ बिल्कुल, और हमें जो 70 दिन से धरने पर बैठी हैं, यो इतना रोष है, यो आने वाले 2024 में हम इनका नुकसान नफा तुरंत इनको दिख जाएगा कि भैया आशा वर्कर कर्मचारी जितने भी चाहे कोई स्कीम वर्कर है जो रोडों पर बैठे हैं, उनका कितना खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज जो ये अहंकार में बैठे हैं, जो सत्ताधारी बने हुए हैं, इनको ये अहंकार है कि हम ऐसे ही छल कपट करके लोगों को लवली पॉप दे के और फिर आ जाएंगे सत्ता में। अब की बार ये नहीं चलेगा। जो कमल का फूल है वो बिल्कुल जनता की भूल थी, अब लोग जागरूक हो गए हैं, तमाम गाँव से हमें सपोर्ट मिल रहे हैं। जो हमारे एक सरपंच थे उनसे भी जनता से अपील की है हमने, जो भविष्य में अब सरपंच है उनसे भी सब ने ये बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी उन्हें जरूरत पड़े तो बता देना, हम आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे।